मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी और इस नए साल के लिए मैं हमारे और हर मिलाप की तरफ से ये संदेश देना चाहूंगी कि जिस तरह हम लोग यहाँ हर मिलाप के सारे परिवार के सदस्य मिलके रुड़की के सभी लोग मिलके ये नए वर्ष जिस तरह से हम शुरू कर रहे हैं भागवत के नाम भागवत कथा का स्थापना करके, उसी तरह सभी लोग अपना नया वर्ष भगवान का नाम लेके बहुत हंसी खुशी मनाएं ताकि हमारे हमारे परिवार के लिए हम भगवान से बहुत सारी खुशियाँ मांग सकें। अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, प्लीज एंजॉय सेफली दिस ईयर। में हो रहा है वो गौशाला की सेवा करते हैं, उनकी एक अपनी गौशाला भी है और ये हमेशा कराते हैं भागवत कथा का ये आयोजन करते हैं। मैं उनकी बहन हूँ विजय शर्मा और ये रुड़की में रहते हैं, देश बिहार में उनकी गौशाला है और वहाँ पे आयोजन करते हैं, हर माह करते हैं, उनके धर्म के कार्य में काम करते हैं। मैं चाहती हूँ जैसे आज पहली तारीख है, नया साल शुरुआत हो रही है, अच्छे काम से हो रहा है, भारतवर्ष की रक्षा करें। हर मिलाप धर्मशाला और बाकी बिहारी गौशाला के संयुक्त तत्वाधान आज से यहाँ पर भागवत कथा का शुभारंभ हो रहा है। शाम 3 बजे से 6 बजे तक विशेषकर गौ संरक्षण इस कथा का आयोजन किया गया है और काफ़ी लोग इसमें अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। कथा का समय शाम को 2:30 बजे से 5:30 बजे तक है और चैनल के माध्यम से देख रहे सभी लोगों को हम आमंत्रित करेंगे, सब परिवार कथा में आकर के पुण्यता लाभ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राकेश चमोली शास्त्री, इनके हमारे जो राकेश शास्त्री जी हैं ये हमारे कथा करेंगे और बहुत ही सुंदर कथा, और संजय भैया इसका आयोजन कर रहे हैं हमारे और बहुत ही सुंदर कथा होगी और सभी से निवेदन है कि रोज कथा में आकर इधर भैया क्या कहेंगे आप कथा। हाँ ये उसके बाद 2:30 बजे से हमारी भागवत कथा जो है स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर सभी से निवेदन है, सभी से विनती है कि वो जरूर इस कथा का लाभ उठाएं और भक्ति भाव से नए साल की शुरुआत करें। इसके संयोजक जो है मदन लाल आहूजा जी और अशोक अरोड़ा जी, जो ये कथा करवा रही है और जितनी अच्छी कथा वो प्रदर्शन के लाभ जरूर उठाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। भाई भागवत हमारे भैया जी करा रहे हैं गौशाला से, और इन्होंने 12 भागवत कराने का समय दिया और वृंदावन भी कराई थी इन्होंने 7 दिन तक भागवत भाई, और वही सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है आज दिन। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हार्दिक शुभकामनाएं नए वर्ष की और सभी के घर में मंगलमय हो। कथा इसलिए करवाई जाती है कि हमारी आत्माएं शुभ हो, हमारे पितृ शांत हो और सभी का भला होता है। कथा सुन के सच्ची सच्ची लगन से सच्चे मन से करना चाहिए जो भी काम करते हैं, उसमें हम सफल होते हैं। धन्यवाद। आपके पास पूजन वही होगा सब परम भूमि उत्तरांचल उत्तराखंड प्रदेश अंतर्गत हरिद्वार जनपद मध्य रुड़की मंडल अंतर्गत एवं हर मिलाप धर्मशाला एवं शुभ स्थाने एवं माँ गंगा तटे एवं तथा चाह यजमान से अमु गोत्रोत्पन्न एवं तथा चाह सभी लोग अपना गोत्र सभी लोग अपना अपना गोत्र उच्चारण कर लेंगे। बोल दो अपना अपना गोत्र नाम से अपना नाम सब लोग अपना गोत्र बोल देंगे, एवं तथा चाह तशा बामंग पत्नी एवं यजमान लोग सभी लोग अपना नाम अपने परिवार करें, अखिल सकुटुंब सपरिवार से मंगल लक्षा एवं तथा चाह सुख शांति दीर्घायु स्वास्थ्य स्वास्थ्य आरोग्यता दीर्घायु विद्या बुद्धि यश कीर्ति एवं सकल मनोकामना संसिद्ध्यार्थम माँ गंगा एवं तथा चाह नमित एवं श्रीमद भागवत महापुराण अंतर्गते एवं माँ गंगा कलश पूजन संकल्पम बोले अहम परिशामि। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम माँ दिदा देव देती।
एकम सदसुप्तस्य हतकेवेति दो रंग मांगोतकां ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ओम मां गंगाय नमो तिलक करो ना बात बोलते रहो मत आप पहले अपनी जगह में सबके पास आ जाऊंगा भैया, दो मिनट में हो जाएगा सब। अभी पहले तिलक के बाद में और जल भी हम ही लोग देंगे आपको भर करके, आप आगे मत जाना। आप धीरे धीरे पंडित जी मुझे रास्ता दे दो, मैं पीछे आ जाऊंगा। भाई आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं, मैं ऊपर ही आ रहा हूँ, आप मुझे रास्ता दे दो। आप ऊपर चलो ना, हम बड़ा पड़ जाएंगे।